इंदौर के प्रशासनिक संकुल में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विश्वास का ख्याल रखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को आंखों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय में दिन भर फाइलों और कंप्यूटर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की आंख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनमें से अधिकतर की आंखों का विजन होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलैया राजा टी के निर्देश पर प्रशासनिक संकुल में आंखों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अग्रवाल आई हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किए गए आई कैंप में 150 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि संकुल के अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रशासन का भी कर्तव्य है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। इसी के तहत हमने आई कैंप का किया है कि हमारे शासकीय कर्मचारी काफ़ी प्रयास करते हैं शासकीय योजनाओं को लागू करने में, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के जो इश्यूज रहते हैं वो दर निकार रह जाते हैं और खुद पे समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जो भी हमारे हम लगातार प्रयास करते हैं कि समय समय पे उनका हेल्थ चेकअप होता रहे, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सके और अर्ली स्टेज पर अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो डिटेक्ट हो सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने जो निजी संस्थान हैं उनके माध्यम से बहुत ही इक्विप्ड तरीके से और स्किल्ड डॉक्टर्स के माध्यम से आई चेकअप कैंप यहाँ लगाया गया है। और उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी भाई है या ड्राइवर्स वगैरह है वो अपना आई की चेक करा ले, ताकि उनकी आँखों में अगर कोई भी समस्या हो तो अर्ली स्टेज पर उनका डिटेक्शन हो जाए और उनका जो भी इलाज है वो हो जाए। निश्चित ही दिन भर वो फाइलों में काम करते हैं, कंप्यूटरों में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन और उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आँखों पे उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में अगर रेगुलर चेकअप होता है तो उन लोगों के लिए लाभदायक होता है। जांच शिविर में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की आंखों में अधिक परेशानी सामने आती है तो उसके उपचार के लिए अस्पताल द्वारा विशेष छूट दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।